कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पार्टनरशिप का प्रश्न लेकर के आया हूँ और पार्टनरशिप से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी उनके टाइप होंगे, वे सारे टाइप को सीरियल वाइज करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको आसानी होगी समझने में। और यह जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर के पार्टनरशिप होता क्या है और इससे संबंधित कुछ शब्द जो है कि उस शब्द को समझना होगा, उसके बाद जो है कि आप पार्टनरशिप को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो वर्ड है वो है साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप वो होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं जो उन सब लोगों के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा सभी की ओर से चलाया जाता है। ठीक है, यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा सभी की तथा एक निश्चित समय के अंत में वे लाभ अथवा हानि को एक निश्चित अनुपात में बांटते हैं, उसको हम साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है साझेदार। साझेदार किसको बोलते हैं? साझेदार का मतलब होता है कि वे व्यक्ति जो साझेदारी के अंतर्गत व्यापार चलाने के लिए सहमत होते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा पूंजी। पूंजी आखिर के होता क्या है? पूंजी जो है जो भी साझेदारी के अंतर्गत किसी व्यापार को चलाने के लिए, मतलब जो साझेदार होता है उनके द्वारा जो उपलब्ध कराया गया जो धन होता है वो साझेदारों का पूंजी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कार्यकारी साझेदार, जो वर्किंग पार्टनर जिसको हम बोलते हैं। वर्किंग पार्टनर होता क्या है? तो ऐसे साझेदार जो साझेदारी में सक्रिय रूप से भाग लेता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। मतलब क्या है कि पार्टनर तो वो बना, लेकिन कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो काम नहीं करते हैं, केवल पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जो पैसा भी लगाते हैं प्लस काम भी करते हैं। ठीक है, तो जो पैसा और काम दोनों करते हैं उन वो हो गए वर्किंग पार्टनर। व्यापार से जो प्राप्त राशि जो होता है उस राशि में से कुछ राशि जो है कि कार्यकारी साझेदार जो होते हैं, जो वर्किंग पार्टनर होते हैं, उनको एक निश्चित करके उनको कुछ पैसा दिया जाता है। ठीक है, और बाकी जो बचा जो लाभ होता है उस लाभ को दोनों में या दो या तीन व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाद में। पहले वर्किंग पार्टनर को दे करके जो शुद्ध लाभ जो बचा उस लाभ में से डिवाइड होता है। ठीक है, हम पार्टनरशिप को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला साधारण साझेदारी जिसको हम सिंपल पार्टनरशिप बोलते हैं, और दूसरा जटिल साझेदारी या मिश्रित साझेदारी जिसको हम कंपाउंड पार्टनरशिप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साधारण साझेदारी क्या होता है। तो साधारण साझेदारी इसमें जो है कि साझेदार अपनी अपनी पूंजी समान समय के लिए लगाते हैं। ऐसे साझेदारी में व्यापार से जो लाभ प्राप्त होता है या हानि जो होता है वो साझेदारों के द्वारा जो पूंजी जो लगता है उसके अनुपात में ही बांटा जाता है। ठीक है, और जटिल साझेदारी या मिश्रित साझेदारी क्या होता है? इसमें जो होता है कि इसमें जितने भी साझेदार होते हैं वे सारे अपनी अपनी पूंजी, मतलब अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी लगाते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि साझेदारी में जो व्यापार से जो लाभ होता है या जो हानि होता है उसको जो साझेदार होते हैं उसके द्वारा जो लगाया गया पूंजी जो होता है वो समय के अनुकूल जो है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। मतलब अगर कोई 2 साल के लिए लगाता है, कोई 3 साल के लिए लगाता है, तो उस 2 साल वाले और 3 साल वाले के अनुपात में ही क्या होता है कि उसके लाभ को बांटा जाता है। ठीक है, इसको जो है कि हम प्रश्न से जो है कि और ज़्यादा क्लियर करेंगे।
क्योंकि अभी उतना ज़्यादा आपको क्लियर नहीं होगा, प्रश्न जैसे ही आप करेंगे उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वे सारे क्वेश्चन लगभग मैं इस वीडियो में दिया हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब जा करके आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले टाइप के प्रश्न को। प्रश्न है कि एक्स तथा वाई ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि एक्स ने 40,000 रुपया निवेशित किया हो तो वाई ने कितना धन निवेशित किया? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाभ हो रहा है उस लाभ को वह 2:3 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है, जबकि एक्स का जो पूंजी है वो है 40,000 रुपया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, लाभ जो है कि 2:3 है तो पूंजी का अनुपात क्या होगा? 40,000 अनुपात वाई का हमको मालूम नहीं है तो वाई का हम वाई रहने देते हैं, ठीक है। अब हमको वाई वाई का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या होगा? वाई इज इक्वल टू 40,000 गुने ये हो जाएगा हमारा 3/2। देखिए अगर इसको 2/3 इसको 40,000/y करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू इस तरह से निकलेगा। अब हम इसको काट सकते हैं कि 20,000 × 40,000 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 × 60,000। और ये 60,000 जो आया ये आया हमारा y का पूंजी, y जो है कि 60,000 रुपया निवेशित किया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे टाइप के देखते हैं प्रश्न को। ये दूसरे टाइप के प्रश्न है कि अंशु, सुमन तथा राम ने क्रमशः 2700 रुपये, 8100 रुपये तथा 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये लाभ पाया, उनका कुल लाभ कितना था? यहाँ पे तीन व्यक्ति है, अंशु, सुमन और राम, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का हम रेशियो ले लेंगे, अंशु, सुमन और राम, ये तीनों का पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2700 × 8100 = 7200, ठीक है। अगर हम इस रेशियो को अगर हम काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 × 9 = 27, और ये भी कट जाएगा आपको 9 × 9 = 81 और 9 × 8 = 72, यानी कि आ गया 3:9:8, ठीक है। अब हमारा रेशियो निकल गया है उसके पूंजी का, अंशु का 3 हो गया, सुमन का 9 और राम का 8 हो गया। जबकि हमको सवाल में कहता है कि वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये लाभ पाया है तो उनका कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ हमको निकालना है तो ये तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, जबकि राम को मिला है 3600 रुपया, ठीक है। तो इसलिए कुल लाभ बराबर हो जाएगा 3 + 9 + 8, और राम का यहाँ लाभ दिया गया है इसलिए राम का रेशियो नीचे लिखेंगे, तो राम का रेशियो कितना होगा? 8 है तो नीचे 8 × 3600, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 9 × 3 = 12 = 8, 20/8 × 3600। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 × 8 = 8, 5 × 4 = 20। अब इसको काट सकते हैं, 1800 × 3600। अब इसको हम गुना जब करेंगे तो 18 × 5 = 90, 100, यानी कि 9,000 रुपया कुल लाभ हमारा आएगा, 9,000 रुपया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जिसका लाभ दिया जाएगा उसको हम नीचे रखेंगे, यदि कुल लाभ कहेगा तो टोटल को ऊपर जोड़ेंगे, ठीक है। यदि इसमें से किसी दो का लाभ निकालने के लिए कहता, जैसे कि अंशु और सुमन का लाभ निकालने के लिए कहा जाता और कुल लाभ यहाँ दिया होता, ठीक है, तो ये कुल
कुल नीचे जोड़ते और अंशु और सुमन को ऊपर जोड़ करके लिखते और निकालते। वैसे और आगे देखते हैं प्रश्न को, आगे भी मिलेगा इस तरह का सवाल। चलिए तीसरे टाइप के प्रश्न को देखते हैं कि राजन ने 15,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 3 माह बाद अजय 4,500 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया, यदि वर्ष के अंत में 5,850 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ हो तो राजन तथा अजय के लाभ में कितना का अंतर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल कहता है कि राजन 15,000 रुपये लगाता है और 3 महीने के बाद अजय 45,000 रुपये लगाता है। ठीक है, और कहता है कि वर्ष के अंत में 5,850 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, मतलब बिजनेस हमारा 1 साल तक चला है। ठीक है, तो राजन तथा अजय के लाभ में कितना का अंतर होगा। अब ये दोनों का अंतर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन कितने महीनों के लिए पूंजी लगाया है। राजन जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं राजन अनुपात अजय बराबर, ये कितना लगाया है राजन 15,000 रुपये लगाया है, कितने दिनों के लिए, तो ये पूरे साल के लिए लगाया है यानी कि 12 महीनों के लिए। ठीक है, रेशियो ये अजय 45,000 रुपये लगाता है कितने दिनों के लिए लगाता है, तो 3 महीना के बाद लगाता है यानी कि ये टोटल 9 महीना के लिए यह लगाया पूंजी। ठीक है, अब हम इसको काट करके रेशियो निकाल लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 और ये कट जाएगा आपको 5 तिहाई 15 कट जाएगा, 9 पचे 45 कट जाएगा यानी कि 4:9 आएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों राजन और अजय का रेशियो हमारा आ गया 4:9 का, जबकि अब सवाल में कहता है कि राजन और अजय के लाभ में कितना का अंतर है, अंतर निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लाभ का अंतर बराबर, अंतर इसका कितना होगा 9-4 बटा कुल कितना हो जाएगा 9+4 गुने अंतर कितना दिया हुआ है अंत में 5,850 रुपया लाभ हो रहा है वर्ष के अंत में। ठीक है, तो अब हम इसको काट सकते हैं, इसको माइनस कर लीजिए तो ये आएगा 5 और ये हो जाएगा 13×5,850। अब इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, काट दीजिए 13×52 और इधर हो गया हमारा 6×5 13×5 65 450 रुपया आएगा। अब इसको हम गुना कर देंगे, 5×450 गुना करेंगे तो होगा 0 25×5 4×5 20 2 22 यानी कि 2,250 रुपया लाभ का अंतर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, ये चौथे टाइप का प्रश्न है कि ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 रुपये तथा 16,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा 8 माह बाद सी भी 15,000 रुपये लगाकर उसमें सम्मिलित हो गया, 2 वर्ष बाद 45,600 रुपया के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी और सी तीन आदमी जो है कि बिजनेस शुरू कर रहा है, ए बी और सी। ठीक है, जबकि ए पूंजी लगाता है कितना 12,000 रुपया, तो ये जो है पूरे दो साल के लिए ए लगाता है यानी कि 24 महीने के लिए लगाया रेशियो, और बी जो है कि 16,000 रुपये पूंजी लगाता है, ये भी 24 साल के लिए लगाया रेशियो, सी जो है कि 8 महीना के बाद आता है यानी कि ये 16 महीना के लिए पूंजी लगाया, तो कितना 15,000 रुपये लगाया था, कितना 16 महीने के लिए। ठीक
ठीक है। अब इसको हम काट करके रेशियो निकाल सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो कट गया। अब इसको हम काट सकते हैं 3 चौका 12, 6 चौका 24 और 4 चौका 16। अब कटेगा, अब इसको काट सकते हैं 4 से काट सकते हैं, 4 चौका 16, 4 से ही कट गया और 6 चौका 24 कट गया। अब फिर काट सकते हैं आप 3 से काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और यहाँ 5 तिहाई 15, और भी कटेगा कटेगा और नहीं कटेगा। अब यहाँ आएगा 6 अनुपात 4 दुना 8 अनुपात 5, ठीक है ठीक है। अब आ गया ए बी और सी का रेशियो हमारा आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 5। आप थोड़ा सा ये पेचीदा हो गया है, आप देख सकते हैं कैसे कटा है, आप खुद से एक बार काट लेंगे ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, सी का भाग निकालना है, तो सी का कितना है 5 आया है ठीक है। तो 5 ऊपर रखेंगे और कुल नीचे रखेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 5 गुने 2 वर्ष के बाद टोटल आ रहा है हमारा लाभ कितना, 45,600। तो यहाँ लिखेंगे 45,600 ठीक है। अब इसको जोड़ करके काट देंगे तो हो जाएगा 5 बटा 8 6 14 14 5 19 गुने 45,600, 19 से काटेंगे इसको तो जब हम 19 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2400 बार में कट जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे तो 24 पच्चे 120 और डबल 0, यानी कि 12,000 रुपया हमारा सी का भाग निकला और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगा और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और दूसरे पार्ट में पूरा वीडियो मैं आपको दूंगा, सारे टाइप के प्रश्न को मैं करके दूंगा और आपको एकदम इजी वे में समझ में आएगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे प्रश्न को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।